पिछले 4 सालों में मोदी सरकार कई मुद्दों पर विपक्ष के निशाने पर रही है, लेकिन सरकार ने कई ऐसे कार्य भी किए हैं जो कि आम जनता के हित में है। मोदी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और आज हम आपको बता रहे हैं सरकार की ओर से किए गए वो कार्य जो काबिले तारीफ है। आइए जानते हैं मोदी सरकार की उपलब्धियां। नए वर्ष पर इन उपहारों के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। भाई और बहनों, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही केंद्र की सरकार विकास की पंचधारा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, ये हमारे लिए विकास का राजमार्ग है। नंबर 1, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मतलब है एक राष्ट्र एक टैक्स। ऐसे नए टैक्स सिस्टम में सभी वस्तुओं के अलग अलग टैक्स नहीं देना होगा और पूरे देश में एक ही टैक्स व्यवस्था लागू की गई है। यह साल 1991 के बाद से अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में सुधार को लेकर सबसे बड़ा कदम है, जिसे लागू करने के लिए पिछली सरकार प्रयासरत थी। मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को सामान और सेवा यानी कि जीएसटी शुरुआत की। इतने बड़े देश में जीएसटी को इतनी सरलता पूर्वक लागू किया गया कि विश्व भर के अर्थशास्त्री और लीडर्स आश्चर्यचकित रह गए। नंबर 2, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को झारखंड से लॉन्च किया। कई तरह के नाम से कंफ्यूज ना हो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मोदी केयर, ये दोनों ही इसी स्कीम के नाम हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का ऐलान किया। स्कीम के तहत देश के 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा के तौर पर मुहैया कराया जाएगा। इन परिवारों को सुविधाओं के अभाव और गरीबी के स्तर के आधार पर चयनित किया गया है, यानी तकरीबन 50 करोड़ लोग इस योजना से सीधे जुड़ेंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शहरी क्षेत्रों के 60% और ग्रामीण क्षेत्रों के 85% परिवार इस योजना के तहत कवर किए गए हैं। इस स्कीम के तहत बने पैनल में शामिल किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में लाभार्थी इलाज करा सकते हैं। आपको इन अस्पताल में कैशलेस यानी बिना पैसे दिए इलाज मिलेगा। नंबर 3, जनधन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जनधन योजना की घोषणा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की थी। इस योजना का मकसद देश के हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना है और इस योजना के तहत 31 करोड़ लोगों को फायदा भी मिला है। बताया जाता है कि आर्थिक जगत के क्षेत्र में ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। इसने एक सप्ताह में सबसे अधिक 180 लाख बैंक खाते खोलने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। नंबर 4, उज्ज्वला योजना। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं था और उन्हें खाना बनाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस योजना के माध्यम से उन परिवारों तक LPG कनेक्शन पहुंचाया गया और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त भी किया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले BPL राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में सिलेंडर दिया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 करोड़ परिवार इसके लाभार्थी हैं।
नंबर 5 डिजिटाइजेशन। मोदी सरकार ने पिछले 4 सालों में डिजिटाइजेशन पर काफ़ी जोर दिया है। अब बैंकिंग क्षेत्र से लेकर अन्य सरकारी कार्यों में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा मिला है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। इसमें मोदी सरकार की डिजिटल भुगतान को आसान बनाने वाली भीम ऐप भी शामिल है। इस ऐप के तहत पैसे सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। नंबर 6 मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY एक गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु उद्यमों को 10 लाख तक की ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंक, RRB, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, MFI और NBFC द्वारा दिए जाते हैं। उम्मीदवार इन संस्थानों से लोन ले सकते हैं। योजना के तहत कुल 3 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आपको बता दें कि इस योजना को 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। नंबर 7 स्वच्छ भारत अभियान। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के पहले साल से ही की थी और उसे कामयाबी भी मिली। इस योजना के तहत पूरे देश में सफाई के लिए विशेष कार्य किए गए, जिसमें शौचालय निर्माण से लेकर कचरा निस्तारण भी शामिल है। गंगा की सफाई और सुंदरता इस अभियान का सबूत है। नंबर 8 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में सब्सिडी सीधे बैंक खातों में जमा कराया जाता है। इससे लीकेज और किसी हेराफेरी की गुंजाइश खत्म हो गई है। इस योजना के तहत LPG सब्सिडी सीधे बैंक खातों में जमा कराई जाती है, जिसका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। इस योजना के तहत 14 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे नकद सब्सिडी मिल रही है। इस योजना ने करीब 3 करोड़ नकली खातों की पहचान करने और उन्हें बंद करने में भी मदद की, जिससे हजारों करोड़ रुपए की बचत हुई। नंबर 9 तीन तलाक और हज यात्रा। तीन तलाक पर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसका लंबे समय से विरोध किया जा रहा था। सरकार ने लोकसभा में कई संशोधन प्रस्ताव खारिज होने के बाद मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल पास करवाने का अहम कार्य किया है। वहीं सरकार ने हज पर दी जाने वाली सब्सिडी 2018 से खत्म कर दी है, यानी 2018 से हज पर जाने वालों को पूरा खर्च खुद ही वहन करना होगा। बता दे कि कई मुस्लिम संगठन सब्सिडी खत्म करवाना चाहते थे। नंबर 10 मेक इन इंडिया। मोदी सरकार ने भारत के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की। इसके तहत कैपिटल गुड्स के साथ नई तकनीक और आधुनिकता को बढ़ावा दिया जाता है। इस स्कीम के लिए 930 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नंबर 11 कौशल विकास। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का फ्लैगशिप स्कीम है। इस स्कीम का उद्देश्य है देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देना, जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। इसमें ट्रेनिंग की फीस सरकार खुद भुगतान करती है। सरकार इस स्कीम के जरिए कम पढ़े लिखे या 10वीं 12वीं कक्षा ड्रॉप आउट युवाओं को स्किल सेट्स की ट्रेनिंग देती है। सरकार ने 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। नंबर 12 पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी। मोदी सरकार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भी कई काम किए गए, जिसमें कोयला ब्लॉक आवंटन में पारदर्शी नीलामी, पर्यावरण संबंधी मंजूरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन, कई एप्लीकेशंस के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत की गई। नंबर
साथ में सब्सिडी जैसी सुविधाओं में पारदर्शिता की गई। ये है मोदी के मैजिक के कुछ चैप्टर्स। मोदी का करिश्मा हम देखते रहे हैं, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो या नोटबंदी, जिंदगी चलती जाएगी, घटनाएं होती जाएंगी, पीएम मोदी का करिश्मा होता रहेगा। यदि यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।